जय श्री कृष्णा माता जी। जय श्री कृष्ण बेटा। माता जी, कृष्ण के बारे में सुनाइए कुछ। कृष्ण के बारे में, कृष्ण की तो व्याख्या ही है, आकर्षति सर्व जगत इति कृष्ण। पूरे ब्रह्मांड को जो आकर्षित करता है उसका नाम कृष्ण है। वो फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, जो आपके सानिध्य में आए और जो आकर्षित हो आपसे, मतलब पॉजिटिवली। हाँ, समझना, नाला एक लोग गलत अर्थ भी ले लेते, इसलिए हर बात में हमको क्लैरिफाई करना पड़ता है, हर बार को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। तो कृष्ण के बात जहाँ आती, एक गज़ल याद आती है, बहुत छोटी थी तब मैंने लिखी थी, बहुत छोटी, 15-20 साल की थी मैं शायद, तब मैंने ये गज़ल लिखी थी। हवे आंसू पीने खुद ना तरसने हूँ छिपा भी लो, मेरी प्यास को मैं मेरे आंसुओं के द्वारा ही, मेरे आंसुओं को पीकर मैं छिपा लूंगी। हवे आंसू पीने खुद ना तरसने हूँ छिपा भी लो, विरह राधा नो संभारी ने मारो मन बनावी लो। राधा के विरह को याद करके मेरे मन को मैं भी अब मना लूं कि विरह राधा नो संभारी ने मारो मन बनावी लो। मड़े जो मित्र मुझने कृष्ण जे वो कोई दुनिया मा, मड़े जो मित्र मुझने कृष्ण जे वो कोई दुनिया मा, जगतनी द्वारिका ने मोती ओथी हूँ मढ़ावी दो। जगतनी द्वारिका ने, वो तो कृष्ण ने तो सोनी की द्वारका बसाई थी, लेकिन अगर वो मेरा फ्रेंड है, कृष्ण जैसा कोई मिले तो जगतनी द्वारिका ने मोती ओथी हूँ मढ़ावी लो। अरे यशोदा नंद नो जो हाथ हूँ फाड़ो मड़े मस्तक, मेरे सर पर अगर नंद बाबा और यशोदा जैसा कोई हाथ हो, यशोदा नंद नो जो हाथ हूँ फाड़ो मड़े मस्तक, आ खुर्शी माँ भरायेला घना काली हूँ नाथी लो। एक काली नहीं, कृष्ण ने तो एक काली को, कालीनाथ को पकड़ कर उसका दमन करके उसको भगा दिया था कि समंदर में चला दे, मारा नहीं था, इसको जीवत दान दिया था कृष्ण ने। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मड़े जो यशोदा नंद नो जो हाथ हूँ फाड़ो मड़े मस्तक, मेरे सर पर जो नंद या यशोदा जैसा कोई हाथ हो, तो आ खुर्शी माँ भरायेला, राजनीति नी खुर्शी माँ, आ खुर्शी माँ भरायेला घना काली हूँ नाथी लो। आ खुर्शी माँ भरायेला घना काली हूँ नाथी लो। अने आनी तो घनी बधी लांबी छे पंक्तिओ, पण वधारे नथी कहेवू, आमां बधुं आवी ग्युं। राम राम।